वो एक सुनहरी शाम थी जब शहजादी अनाया शहजादी सोनिया और इनकी पक्की सहेली शमाइला सब महल के बागीचे में खुशगवार मौसम का मजा ले रही थी शहजादी अनाया और सोनिया दोनों जुड़वा बहनें थीं। बचपन से इनकी दोस्ती एक अच्छे घराने की लड़की शमाइला से थी ये तीनों एक दूसरे से बेहद प्यार करती और हमेशा साथ साथ रहती थी उस शाम वो उस बागीचे में बैठी मुख्तलिफ मौजुआत पर बातें कर रही थी कि अचानक एक खूबसूरत परिंदा उनसे कुछ फासले पर आ गिरा इन तीनों ने जब उसके पास जाकर देखा तो मालूम हुआ कि वो जख्मी है उन्होंने परिंदे की मरहम पट्टी की और उसके लिए छोटा सा घोसला बना दिया ताकि वो इसमें आराम से रह सके परिंदा आिस्ता आहिता ठीक होता गया वो सब भी बहुत खुश थी उन्होंने परिंदे के सर पर नरमी से बारी बारी हाथ फेरा तो वो अचानक खूबसूरत परी की शक्ल में बदल गया। वो तीनों बहुत हैरान हुई। मगर परी ने इन्हें कहा कि उन्होंने उसकी देखभाल की जिसके बदले में वो उनको एक तोहफा देना चाहती है फिर उसने अपनी छड़ी घुमाई तो उसके हाथ में एक लाल पोटली नमूदार हो गई जब उसने उसे खोला तो उसमें तीन खूबसूरत सी चमकती धमकती हीरे की अंगूठियां निकली उन अंगूठियों को उसने उन तीनों में तकसीम कर दिया और कहा कि जब कभी मदद की जरूरत हो तो अंगूठी को अपनी मुट्ठी में कस कर बंद कर लेना तो वो फौरन वहां मदद के लिए हाजिर हो जाएगी वो तीनों ये बात सुनकर थोड़ी हैरान हुई मगर जब उन्होंने सोचा कि इस तरह तो हम किसी भी मुश्किल से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं तो उन्होंने परी का शुक्रिया अदा किया और महल में चली गई दिन यूं ही गुजरते गए और वो तीनों पक्की सहेलियां इक्कीस साल की हो गईं। उनके वालिदैन को उनकी फिक्र सताने लगी फिक्र क्यों ना होती क्योंकि उनके मुल्क का रिवाज जो था कि अगर किसी भी लड़की की उम्र 21 साल की उम्र तक शादी नहीं हुई तो उसे एक साल तक मुल्क के सबसे पुराने जंगल में जहां हर तरह का जानवर और हर तरह के कीड़े मकोड़े पाए जाते थे छोड़ दिया जाता वहां अपने घर का कोई सामान भी नहीं ले जाया जा सकता था सब इसी फिक्र में मुबतला थे कि अचानक चंद आदमी आए जो जबरदस्ती शहजादियों को इनकी सहेली शुमाइला के साथ जंगल तक ले गए वो तीनों तीन अलग अलग सिमतों में जाएंगी और कोई ना कोई रास्ता ढूंढे ताकि इस जंगल से बाहर निकल सके आखिर तीनों के रास्ते जुदा हो गए फिर एक घंटा चलने के बाद शहजादी अनाया को शिद्दत से प्यास लगी उसने सोचा कि अब मैं पानी कहाँ से ढूंढूंगी अचानक ही उसे याद आया कि वो तो जब चाहे परी को बुला सकती है उसने फौरन अपनी अंगूठी उतारकर अपनी मुट्ठी में कस कर पकड़ी तो एक जोरदार झटका हुआ और परी वहां आ गई उसने शहजादी अनाया से पूछा क्या काम है तो अनाया ने उसे बताया फिर परी ने मुस्कुरा कर अनाया की तरफ देखा और वहां से गायब हो गई शहजादी सोनिया एक पेड़ के पास आकर आक रुकी हुई थी अचानक किसी ने उसके सर पर हाथ फेरा और वो बेहोश हो गई ऐसा ही कुछ शुमाइला के साथ हुआ फिर उन दोनों की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि शहजादी खड़ी मुस्कुरा रही थी और वो लोग जंगल के बजाय अपने महल के कमरे में थे उन्होंने हैरत से अनायक की तरफ देखा तो उसने बताया कि उसने परी से कहा था कि तुम दोनों मेरे पास आ जाओ और चुपके से हम इस महल के कमरे में रहेंगे जहां लोगों का ज्यादा गुजर बसर नहीं होता इन दोनों को भी इस बात का इल्म ना हुआ क्योंकि वो परियों से और जादूगरों से डरती थी फिर मजे मजे के खाने लेकर परी हाजिर हुई उस वक्त सोनिया और शुमाइला का डर भी खत्म हो चुका फिर अनाया ने परी से कहकर मुल्क के इस रवाज को खत्म कर दिया और फिर सब लोग खुशी खुशी रहने लगे इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने इर्द गिर्द अपने मुल्क और अपने खानदान में मौजूद गैर रस्मी रवायतों को खत्म कर देना चाहिए ताकि मजीद किसी को भी जानी नुकसान ना हो